हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सूट सिलाती हूँ और मुझे सिलने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। तो सिलने के बाद जो हमारे पास कपड़ा बचता है कुछ इस तरह का वेस्ट मटीरियल, इतनी सारी कतरनी बची है मेरे पास, तो आज मैंने सोचा कि इन कतरनों से कुछ बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी कतरने हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनका एक डोरमेट बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कतरने मैंने इकट्ठा कर रखी है, तो इनमें से मैं ढूंढूंगी काफ़ी सारी कतरने। देखिए कुछ इस तरह की है ये। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हमें छोटी छोटी इसकी पट्टियाँ काटनी है। तो इनको हम चौड़ाई में रखेंगे 3 इंच। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच में निशान लगा दिया है और लंबाई हम रखेंगे इसकी 7 इंच। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच में भी निशान लगा दिया है। तो बस ऐसे ही हमें 3 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी पट्टियाँ काटनी है बहुत सारी। तो यहाँ पे मैंने एक साइज़ की बहुत सारी कतरने काट दी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब पहले इनको अटैच करते हैं। तो चलिए जी, अब इन कतरनों को हम साथ में जोड़ते हैं। मैंने जितनी भी कतरने काटी है इनको हम सबको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। एक कतरन के साथ हम दूसरी कतरन को इस तरह से अटैच करते जाएंगे ताकि हमारी लंबी सी एक कतरनों की रस्सी बन जाए। तो कुछ इस तरह से हमें ये कतरनी सिलनी है, ये देखिए। आगे हम और कतरन जोड़ते जाएंगे इसमें। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें इन कतरनों को जोड़ते जाना है। तो कुछ इस तरह से ये देखिए, मैंने सारी कलियों को ना एक साथ जोड़ दिया है, ये देखिए। तो एक लंबी सी रस्सी बन गई है। तो आगे का स्टेप मैं अब बताती हूँ आपको। अब आगे हमें क्या, अब हम लेंगे एक बोरी जो कि चावल की बोरी है, खाली बोरी। तो अब हम इसको पहले कट कर लेते हैं। जितना लंबा आपको अपना डोरमेट चाहिए ना, उतना लंबा इसको कट करेंगे। तो कुछ इस तरह का है ये। तो पहले ना इसको यहाँ से काटते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बोरी का टुकड़ा जिसको कि मैंने काट लिया है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 26 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 17 इंच, 17 नहीं 15 इंच। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इन पट्टियों को इसमें लगाना है, अटैच करना है। तो ये रही पट्टियाँ जो कि मैंने एक साथ जोड़ रखी है। तो कुछ इस तरह से हम इनको यहाँ पे अटैच करेंगे।
तरह से हमें इनको अटैच करते जाना है। यहाँ पे थोड़ी सिलाई में प्रॉब्लम आ गई थी तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये सीधी साइड है कपड़े की, तो हमें उल्टा कपड़ा इस साइड बिठाना है और यहाँ से सिलाई देनी है, फिर इसको इस तरह से पलटेंगे, तो बस ऐसे ही करते जाना है। तो देखिए अभी मैंने सारी पट्टियों को इसमें जोड़ दिया है और ये कुछ इस तरह का लग रहा है, और जो इस साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है इसको पहले मैं सारे को कट कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे से पता लगेगा। सो फाइनली मेरा डोरमेट बन के रेडी हो चुका है और ये कुछ इस तरह का बना है। साइड में मैंने दो कलर की यहाँ पे ये लेयर लगाई है और इनमें चुंडे डाली है, तो कुछ इस तरह का बना है ये। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।